वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं चार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब के अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल, काफ़ी लोगों ने फेक बना के रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी सर्च करके ज्वाइन मत करिए, हमेशा यूट्यूब के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, कुछ हमारे ही स्टूडेंट, कुछ अदर लोग हमारा नाम यूज़ करते हैं, वो स्कैम करते हैं, बाकी बाद में लोग हमसे सीखने के लिए आते हैं, वो हमें बताते हैं, तो हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, हमारी ओनली ऑनलाइन क्लासेस है, उन स्केप में आप मत फंसिए। फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये कि हम जो भी ट्रेड देते हैं उसको प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करिए। हमारा प्योर मोटिव प्योर एजुकेशन प्रोवाइड करना। थैंक यू, वीडियो शुरू करते हैं। कल ठीक इवनिंग है के अंदर लेट नाइट को मैंने मैसेज डाला था टाटा केमिकल का कि 980 से लेकर के 1000 के रेंज में बाई करना, क्योंकि मुझे पता था ये गैप डाउन खुलेगा एंड थोड़ा नीचे जाएगा, 980 से 1000 के रेंज में जाएगा और ये शार्प रिकवरी देगा। देख लीजिए इस टाटा केमिकल का लो क्या आज का 987, 980 से 1000 के रेंज के बीच में बाई करने के लिए बोला था एंड हाई क्या है 1014। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती ठीक है, या फिर कल देखते हैं नीचे आता फिर बाय करते हैं। बहुत अच्छी अपसाइड है, मैंने पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने रखा हुआ ऑलरेडी, ये जितने भी स्टॉक्स हैं मैं बता देता हूँ एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, जो बोला वही हुआ कि सारे SBI, PEL, PEL तो काफी भाग गए मेरे लेवल से, HDFC, MC, वोल्टास, HSCL, टाटा केमिकल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सब रखे हुए हैं काफी टाइम के लिए ठीक है। आप भी ले लेना, जिसको भी लेना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, मेरे पास पर्सनली है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, बैंक निफ्टी का जो मैंने कल एनालिसिस करके आप लोगों को बताया था, डॉट टू डॉट वही हुआ कि मैंने बोला कि नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा, जो मूवमेंट आया था वो पहले 15 मिनट में आ गया। तो डिलीट कर देंगे ठीक है। देखिए यहां से लेकर के प्राइस नॉर्मल ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद प्राइस आपका पहले 15 मिनट के वाइड रेंज कैंडल बनी, एंड जब भी वाइड रेंज कैंडल बने तो आपको एंट्री नहीं करनी। मैंने बोला 400 से 500 पॉइंट का मिनिमम मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो यहां से आप देखिए 974 से लो कितना है 534, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से ज्यादा का मूव है। जिन्होंने यहां नहीं ले पाए उनको वेट करना था, तीन कैंडल जब बनी थी इसके ब्रेकडाउन पे यहां ले लेते, गिरना तो था ठीक है। तो ये मूवमेंट भी आपके लिए 150 पॉइंट का मूवमेंट जिन्होंने कैप्चर कर लिया ठीक है। और किसी भी वेव के लो टूटने के बाद आपको नॉर्मली ट्रेड नहीं लेना, लेना था यहीं पे लेना था या फिर यहाँ लेना था। ये लोगे तो फिर आपका, अगर आपका लो टूटने के बाद लोगे तो आप क्या होगा, देखिए यहाँ का आपका ऐसा रहेगा, यहाँ पे आपका लो टूटने में लोगे तो देखिए प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, प्राइस क्या हो गया पूरा रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग कभी होती ही नहीं है, वो तो गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग हमेशा जोन के अंदर, जोन मीन्स लोकेशन, लोकेशन के ऊपर टाइम करके, मीन्स इस लोकेशन के ऊपर आपको प्राइस मिला, इसके ऊपर आपने टाइम किया और आपको प्राइस में मूव मिला। मेरे पास जब 110 के ऊपर आसपास 44,900 की पुट थी, वो 330 के आसपास मैंने सेल करी है, ऑलमोस्ट कितना हो गया कैपिटल 3 times ठीक है। अब बहुत सारे लोग बैठे रहते कि यहाँ पे लिया फिर सोचेंगे यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, प्राइस को लोकेशन पे ही पैसा मिलता है। कल वीकली एक्सपायरी है एंड कल RBI की पॉलिसी भी है, कितने लोगों को पता है कल वीकली एक्सपायरी एंड RBI की पॉलिसी है, तो मार्केट वोलेटाइल रह सकता है एंड मैं कल के एनालिसिस के लिए आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे देखिए वीकली जो था इंपॉर्टेंट क्या है, वीकली जो क्लोजिंग आपकी आई थी इस वीक में, अभी कितने दिन हुए, आज थर्ड डे है, मीन्स आज वेडनेसडे, कल आपका थर्सडे है, तो प्राइस जो है ये जो जो डिमांड बनाया था वीकली का ठीक है, इसके ऊपर अच्छी खासी एक हेल्दी क्लोजिंग आई थी। अभी हो क्या रहा है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी पॉजिटिव ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस डिमांड के नीचे अभी तक प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी है, जाता है इंट्राडे में लेकिन बाद में रिकवर कर जाता है। तो ये तो रनिंग कैंडल है, अभी इस पे बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए हम डेली में समझेंगे कल क्या मूवमेंट होने वाला है, कैसा होने वाला है, बाकी जो मैंने जैसे बोला वैसे ही हुआ। वो क्या रहा? यही वो जोन है जो मैंने बताया ठीक है, एंड प्राइस जहां से उठाया डेली के डिमांड जोन से, यहां से उठाया, अगर आप इसको चेक करोगे तो प्राइस यहां से उठाया ठीक है। अब हो क्या रहा है, आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंड, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है एक लोएस्ट पॉइंट है, इसके रेंज के अंदर ही है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, आज की कैंडल की क्लोजिंग देखने के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट हमें क्या पता चली कि लोअर लेवल से प्राइस बाई हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ, मींस आपकी इस ओपनिंग पॉइंट के ऊपर किसी भी दिन क्या नहीं आ रहा, क्लोजिंग नहीं आ रही, ये जो ओपनिंग पॉइंट है इसके ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग नहीं आ रही। अगेन मैं आपको बोला कल मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो ध्यान से समझना मेरी बात, कल एक अच्छा मूव अगेन फिर देखने को मिल सकता है। ये वाला इसका ओपनिंग पॉइंट है,
ये वाला, मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, ये ठीक है, सभी को दिख रहा है। कौन सी कैंडल, कितनी तारीख कैंडल, 3 अगस्त की, 3 अगस्त के ऊपर ही नॉर्मली क्लोज आ रहा है, एक दिन नीचे आया, बट ये वाला जो जोन है यहीं से वापस मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। और ये लेवल क्या है, 44,744, ठीक है। अब 44 जो आपका 44,750 है, इसके नीचे अगर कल मार्केट एक्स्ट्रा, मान लीजिए आप 11 बजे तक, तो पहले ट्रेड 10:30-11 बजे तक ट्रेड मत करिए, अगर 44,750 के नीचे प्राइस सस्टेन होता, देखिए कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, एंड सस्टेन हो, सस्टेन का मतलब जो कैंडल क्लोज हो रही है वो डिफेंड हो, उसका अगर नीचे की साइड है तो उसका ऐसे हाई ना ब्रेक करे, प्राइस इसके नीचे कंसोलिडेट करे, देन ब्रेक डाउन दे, तो वो सस्टेन बोलते हैं इसको। तो 44,750 के नीचे सस्टेन होगी तो प्राइस इसका लोज निकाल देगा, कहने का मतलब 44,000 की तरफ आ सकता है। एक सिनेरियो तो ये कल मार्केट वोलेटाइल रखा, दूसरा सिनेरियो क्या है, जो जहां पे क्लोजिंग आई है, जो क्लोजिंग आई है ये ऑलमोस्ट राउंड लेवल अगर आप मान के चलेंगे तो 45,000 के ऊपर कोई भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज होती है एंड प्राइस सस्टेन होता है, मतलब वही कैंडल डिफेंड होती है, तो आपको फिर एक 200 से लेकर 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बीच में आपका 44,750 एंड 45,050 मान के चल सकते हैं, ये रेंज जो होती है आपकी कितने पॉइंट की होती है, 300 पॉइंट की, ठीक है। इस 300 मोमेंट की रेंज में मार्केट यू होगा, ऊपर नीचे, ठीक है, मूवमेंट नहीं रहेगा, आपको ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, इसके बाद ही एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा, हो सकता है कल ना आए तो परसों आएगा, बट इस रेंज से बाहर निकलने के बाद ही बड़ा मूवमेंट आएगा। ये चीज मैं आपको एक बार 15 मिनट में समझा देता हूं। अगर 15 मिनट में आप देखोगे, 15 मिनट से ज्यादा बेटर आपको 30 मिनट में, जो मैंने आपको बताया था कि आपका ये वाला लेवल है, ठीक है। बार बार मार्केट इसको क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन है, किसी भी दिन अगर ब्रेक हो गया तो वापस रिट्रेस करेगा, तब तो आपको 100% जैकपॉट ट्रेड मिलेगा, होता ही है, कुछ छोड़ो, रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन बन रहा है, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है कि आप ये देखोगे ना 15 मिनट के अंदर, यहां से ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल है 15 मिनट, अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है, क्लोज देता है कोई भी कैंडल, ये जो कैंडल है ये 15 मिनट के लास्ट में बनी, यही कैंडल अगर डिफेंड होती है और इसी पे सस्टेन होता है तो आप एक अपू का ट्रेड ले सकते हैं प्री ब्रेक, क्लियर है। एंड यही कैंडल, ये 15 मिनट की ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, अगर इसी के नीचे प्राइस जाता है, इसी को रेजिस्टेंस लेता है, तो आप सेल को ट्रेड ले सकते हैं कल मॉर्निंग के लिए 11 बजे से पहले पहले ट्रेड के लिए, ये कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिधर भी इस कैंडल को रिस्पेक्ट करता है ऊपर या नीचे, उसी साइड जाएगा, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो वोलेटिलिटी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। कल मुझे अच्छा मूव दिख रहा है मार्केट के अंदर, बस इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन होना चाहिए या फिर इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, कल एक अच्छा वो एक्सपेक्टेड है, कल नहीं है तो फिर परसों तो आ जाएगा। 300 पॉइंट की रेंज मैंने आपको बता दी, 44,750 से लेकर के आपका 45,050 की रेंज, ओके, सभी को क्लियर है, मेरी आवाज आ रही सभी को या नहीं आ रही? यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर सर, यस सर, तो क्लियर है। तो कल रात को भी, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो एक दिन पहले बता रहा हूँ, तो उसका मीनिंगफुल होता है, ऐसे मैं बताता नहीं, जैसे मैं टाटा स्टील कल रात को बताया, मार्केट बंद होने के बाद बताया ना कि वहां पे आए तो ले लेना, तो उस बात को हमेशा सीरियसली लेना है। मेरे जितने भी स्विंग ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी मोर देन 99% है, लास्ट जितने भी इसका डेटा उठाना देख लो, टेलीग्राम में सब कुछ रिटर्न में लिखा हुआ है, मोर देन 99% एक्यूरेसी है जितने भी स्विंग ट्रेड है, और हमेशा बड़े टारगेट्स होते हैं उनके, तो जब भी बड़ा मूव होता है, रोज रोज आता नहीं, तो जब दिखेगा बड़ा मूव तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कल इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके वो सब चीज बताया कि कल एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है, 400-450 पॉइंट का मूवमेंट आया था, ठीक है। कल भी 300 पॉइंट की रेंज में तो घूमेगा घूमेगा, उसके नीचे निकलेगा तो 300 पॉइंट और मान के चलो, करने करने मतलब 500-700 पॉइंट का मूवमेंट कल मिल सकता है अच्छा खासा, तो थोड़ा देख के सोच समझ के करना, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन देख के करना, क्योंकि प्रीमियम लो पे मिलता है और अगर प्राइस में मूवमेंट आता है जैसे आपके आरबीआई पॉलिसी है, उसके बाद देखिए 15 मिनट की कैंडल किधर क्लोज हो रही है, ऊपर या नीचे, उसके बाद जिस भी साइड पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है आप कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा।